एक बार आपका फिर से स्वागत है राघव प्रॉपर्टीज में। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने, फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 50 गज का मकान, जिसका डायमेंशन होगा 15x30 का। और आप देखिए, चारों तरफ कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मकान मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे विला आपको यहाँ पे मिल जाते हैं लोकलिटी, और बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस पे ये 50 गज का मकान होने वाला है दोस्तों। दोस्तों दिखाते हैं आपका ये 50 गज का मकान किस तरह का होने वाला है और किस तरह के आपके ये बजट में आने वाला है। इस पे आपको 80 से 85% तक का फाइनेंस भी हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो दोस्तों एंटर कर लेते हैं। देखिए, ये आपका दो गेट मिल जाएंगे फ्रंट में ही आपको, एक बड़ा गेट मिल जाएगा और एक आपको गेस्ट रूम में गेट के साथ एक विंडो भी मिल जाती है। फ्रंट पे ही आपको 2 से 3 स्टेयर्स मिल जाती हैं। बाइक की पार्किंग कुछ इस तरह की आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ 50 गज का मकान। काफ़ी अच्छा ये मकान होने वाला है दोस्तों। ये देखिए, पार्किंग के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे एक किचन मिल जाएगी दोस्तों। सेमी मॉडुलर किचन होने वाली है। कुछ बॉक्सेस आपको कुछ इस तरह के मिल जाएंगे। ये देखिए, मात्र 18.5 लाख रुपए में। ये देखिए, काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किचन में आपको मिल जाता है। मॉड्यूलर किचन होने वाली है ये, और काफी बड़ी स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। 50 गज के मकान में काफी बड़ी किचन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट गेस्ट रूम हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, एक डोर और एक विंडो के साथ आपको ये मिल जाता है। लेंटर पे कुछ पीओपी, देखिए काफी सुंदर पीओपी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एक दीवार पर टेक्सचर कुछ इस तरह का डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर गेस्ट रूम आपको ये फर्स्ट मिल जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपका बेडरूम किस तरह का होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको बेडरूम, ये 10x12 का रूम होने वाला है दोस्तों। काफ़ी बड़ा बेडरूम आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। एक दीवार पर टेक्सचर कुछ डिजाइन जैसे बाहर वाले रूम में था, इसी तरह का ही आपको अंदर वाले रूम में मिल जाता है। एक्चुअली ये शाम का समय है तो अंधेरा है थोड़ा सा रूम में, लाइट ऑलरेडी है नहीं। तो आप देखिए, एक विंडो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। गेट के पीछे देखेंगे, एक विंडो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी है। ये देखिए, 2x2 की टाइल्स का प्रयोग किया गया है। और वॉशरूम देखिए, कुछ इस तरह का आपका काफी बड़ा वॉशरूम मिल जाएगा ये, जिसमें आपको काफी ऊंचाई तक टाइल्स मिल जाती हैं। वेंटिलेशन के लिए जाल मिल जाता है इसी के ऊपर, वॉश बेसन लग जाएगा। ये देखिए, वॉश बेसन का पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पे। और वॉशिंग मशीन आप यहाँ लगवाना चाहें तो प्लग ऑलरेडी यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। काफी बड़ा स्पेस तो वॉशरूम के आगे भी आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। देखिए, ये आपका बेडरूम हो गया, ये किचन, ये फ्रंट का रूम हो गया, ये बाइक की पार्किंग हो गई। एक बार मैं छत से भी दिखाता हूँ। देखिए, ये जीना हो गया, जीने पे आपको पत्थर मिल जाएगा स्टील की ग्रिल के साथ। सामने एक विंडो है, वेंटिलेशन प्रॉपर सनलाइट के लिए। ये है आपका 50 गज का मकान, 15x30 का। बहुत ही सुंदर मकान आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 50 गज, बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 18.5 लाख में। 500 लीटर की टंकी भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी लगा के दी जा रही है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया फिलहाल 50 गज का मकान, जिसमें आपको 2 रूम, एक मॉड्यूलर किचन, बाइक की पार्किंग के साथ साथ एक टॉयलेट अटैच, और ओवरऑल सारी फिटिंग के साथ आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फ्रंट आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है दोस्तों, जिस पर आपको 80 से 85% तक का फाइनेंस भी हो जाएगा। जगह मैंने आपको बता दिया, मानसरोवर पार्क में ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। एक बार विजिट जरूर करें, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। जब तक अपने भाई को इजाज़त दें, टेक केयर, बाय बाय।